बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद माम। आज हम लाने करेले की सब्ज़ी। करेले मैं फ्राई कर रही हूँ, और एक किलो मैंने करेले लिए थे। इनको धो के काट के मैंने नमक लगा के रख दिया था। ये करेले मेरे पास तकरीबन एक हफ़्ता पुराने हैं। मैंने करेले की फिलिंग बनाई थी और ये उसमें से बच गए थे। ये देखिए करेले फ्राई हो गए हैं, और अब मैं यानी कि दूसरे डाले हैं मैंने करेले, और मैंने इसको नमक लगा के धो के फ्रीज़ किया हुआ था, और उसके बाद मैंने इसको आज वह निकाला, पानी में डाला, और मैं फ्राई कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं फ्राई कर ली मैंने करेले, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन चॉप किया हुआ। एक पूरा लहसुन है जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। लहसुन को हम बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करेंगे, बल्कि इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे। ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा कलर चेंज करना है इसका। उसके बाद मैंने दो ऑनियन लार्ज साइज़ के और एक मीडियम साइज और एक हाफ ऑनियन लिया है जिसको मैंने कट कर लिया है। इसके साथ मैं वो डालूँगी, और ये देखिए मैंने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं किया इसको, बस मैंने थोड़ा सा इसका आप कह लें थोड़ा सा इसको सॉटे किया है। देखिए कलर इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं किया मैंने, वो फिर जला जला सा टेस्ट आता है। मैं इसके अंदर ऑनियन शामिल कर रही हूँ। प्याज को भी हम ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे, प्याज को भी हम बस थोड़ी देर ही 2 से 3 से 4 मिनट ही इसको सॉटे करेंगे। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी करेले का छिलका जो कि मैंने धो के खुरचा था, और यानी कि जैसे आप उसको खुरचते हैं ना, बड़ी बड़ी सा छिलका नहीं उतारना, उसको मैंने धो के बॉयल नमक लगा के धो के बॉयल किया हुआ था। ये भी मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था। तो अब मैं इसके लगी हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर है, कितना फाइन कलर चलता है, जैसे बिल्कुल फ्रेश है बॉयल करके। तो इसको रखने का यही फ़ायदा है कि इसका कलर बिल्कुल फ्रेश आता है, और ये ऐसा लगता है जैसे अगर आप ऐसे इसको काटेंगे, और ऐसा लगेगा जैसे आप कीमा इसके अंदर डाल रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये वैसे तो बेसिकली उसके बाद ही फ्राई किया जाता है करेले के साथ ही, लेकिन मैंने इसको प्याज में डालकर फ्राई किया, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। मैं इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, तो वो मैं काट के रखी। टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है। इसको बिल्कुल नहीं गलाना। आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त यूनिक सा टेस्ट आएगा इसका। और मसालों में मैं इसके अंदर 1.5 चम्मच डाल रही हूँ सुरख मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच पाउडर, और थोड़ा सा गर्म मसाला साबुत, और साथ में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी 1 चम्मच। और नमक अभी मैं शामिल नहीं कर रही क्योंकि करेले और छिलके दोनों में नमक था, तो नमक मैं वैसे भी डालना भूल चुकी थी, तो मैंने बाद में शामिल किया था। 1/2 चम्मच नमक आप डाल के चेक कीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। मेरे हिसाब से मैंने भी 1/2 ही चम्मच डाला था, मेरे हिसाब से बिल्कुल फिट नमक था। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर, मैं इसको भून रही हूँ, घी भी निकल आया, कितना खूबसूरत कितना प्यारा सा कलर आया। मैं इसके अंदर करेले शामिल करूँगी। करेले को आप कटिंग देखें, मैंने इसको बिल्कुल प्याज की तरह काटा है, वो इसलिए कि क्यूब्स में अगर काटा जाए, मोटा मोटा चौड़ा चौड़ा सा काटा जाए, तो वो गलने में ज़रा होता है और हज़म होने में भी काफ़ी लोगों को परेशान करता है। तो इसीलिए इसको ऐसे काटे, थोड़ा सा प्याज से मोटा काटे ताकि फ्राई होकर इसकी शक्ल ऐसी आ जाएगी। और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और करवे काफ़ी लोग नहीं खाते, तो ये बिल्कुल आप ऐसे इसको धोएं और नमक लगाएं और अच्छी तरह से इसको धो लें, पानी के नीचे थोड़ा सा पानी के नीचे रखें, तो इसके अंदर से बिल्कुल करवाहट निकल जाती है। बाद लोग इसको बॉयल भी करते हैं। और इसका वैसे एक और तरीका भी है कि आप इसको अच्छी तरह से पहले धो लें काटने से पहले, और इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लें, बिल्कुल भी पानी ना हो, फिर आप इसको काट के खुश्क करके काटें, तो ये बिल्कुल कड़वे नहीं बनते। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ, पानी शामिल करके थोड़ा सा इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी, ताकि जो थोड़ी सी करेलों में कच्चापन हो या थोड़ा सा, वैसे तो ये फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं, थोड़ा सा ज़रा क्रिस्पी से थे ये, ज़रा थोड़ा सा नरम हो जाएंगे और स्पाइसेस भी बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे। मटर आप देखें मैंने ऐसे रखा है, मुझे ऐसे बहुत पसंद है और ऐसे मज़े का भी लगता है। आप इसको तंदूर की रोटी, घर की रोटी, जिसके साथ चपाती के साथ खाए, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, रेसिपीज आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी फैमिली में फेसबुक पे आप यूज़ करते होंगे, फेसबुक पेज पे अपने और फेसबुक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपके एक क्लिक से मेरा भला हो जाएगा, तो आपका क्या जाएगा, सो आपका काम है। प्लीज़ क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और सब का काम है किसी की हेल्प करना, तो आप ही मेरी हेल्प ही कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, देखिए कितना खूबसूरत सा कलर है बहुत प्यारा सा कलर है, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।